पहले से आपको फायदा मिल रहा है? हाँ जी, पहले से मुझे बहुत फायदा मिल रहा है। पहले जो मेरा शुगर था वो खाली पेट 220 था, ठीक है, और खाना खाने के बाद 350-400 आता था। हम एलोपेशिया की मेडिसिन जो है वो फ्री में देते हैं। ये बीमारी ये है कि जैसे आपके बाल खूबसूरत है, बीच में आपके पैचेस हो जाते हैं। 5 रुपए का सिक्का देखा हो या 10 रुपए का सिक्का देखा हो, वो छेद हो जाता है, कीड़ा लग जाता है। कीड़ा लग जाता है, जोड़ के दर्द की, किसी को सर्वाइकल है, साइटिका है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनीत ब्लॉग में। तो आज मैं आ गया हूँ शिव शक्ति आयुर्वेद पे, हमारे डॉक्टर मिश्रा जी के पास। सर जी नमस्कार। सर, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं वीडियो को, तो यहाँ पर वो कैसे आपके पास क्लिनिक पे आ सकते हैं, थोड़ा बताएंगे? ये अपना क्लिनिक जो है पिरागढ़ी मेट्रो स्टेशन के नीचे एकता एनक्लेव में 197A के नाम से है। आप वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत। तो भाई पीरागढ़ी जो है वो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, आप वॉकिंग डिस्टेंस है, सिर्फ 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, आप आ सकते हो। सर को फ़ोन कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर भी है, ठीक है। जैसे कि मैंने सुना है सर, एलोपेशिया की जो बीमारी आजकल ज़्यादातर चल रही है जी, तो उसके भी आप ट्रीटमेंट करते हैं? जी, हम एलोपेशिया की मेडिसिन जो है वो फ्री में देते हैं, मंगलवार शनिवार को। फ्री में देते हैं सर? जी सर। क्या बात है। तो ये ऊपर वाले की कृपा है, काम कर रही है लोगों को, और ठीक है, बस यही है, थोड़ा सा उनको अपनी सावधानी रखनी पड़ेगी, कुछ जो मैं बता दूंगा। सर, बीमारी क्या है ये एलोपेशिया की? देखिए, ये एलोपेशिया बीमारी ऐसे एक बहुत ही जो आजकल के लाइफस्टाइल के ऊपर धब्बा है, जो आजकल के यंगस्टर के ऊपर धब्बा है। ये बीमारी ये है कि जैसे आपके बाल खूबसूरत है, बीच में आपके पैचेस हो जाते हैं, मतलब एक छल्ले जैसा होता है ना, जैसे आपने 5 रुपए का सिक्का देखा हो या 10 रुपए का सिक्का देखा हो, वो छेद हो जाता है। मतलब साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो वो कीड़ा लग जाता है। कीड़ा लग जाता है, ठीक है। तो कीड़ा होता नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं कि कीड़ा लगता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता विपरीत काम करने लग जाती है, ठीक है। तो उसी के कारण ये पैचेस हो जाते हैं। पैचेस हो जाते हैं। तो सर, इसका जो मतलब सैलून वगैरह में भी आजकल बहुत ज़्यादा मतलब मेडिसिन देते हैं लोग, ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए, मैं किसी सैलून के ओनर का या किसी सैलून का विरोध नहीं करता हूँ, जो वो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। आजकल हार्स केमिकल कर ले जी, हम तो स्मूदनिंग करवाने जा रहे हैं, केराटिन वगैरह, बस ये सब चीज़ें, ये हार्स केमिकल है। अच्छा, अब एक तो हमारी दादी जी जो थी, हमारी परदादी जो थी, वो मुल्तानी मिट्टी लगाती थी, रीठा लगाती थी, ये लगाती थी, वो लगाती थी, उनको तो आज तक मेरे ख्याल से ना तो स्मूदनिंग की जरूरत पड़ी, ना केराटिन की जरूरत पड़ी, ठीक है। जो अपनी जो पे स्केल है ना, वो सारी सैलून वालों को दे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हार्स केमिकल के साथ। तो इसमें सर मतलब क्या क्या खाना पड़ता है? इसमें हमें रिच फूड खाना है, विटामिन सी, विटामिन के, जो आपके ब्लूबेरीज होती हैं, जो हमारे संतरा होता है, मौसमी होती है, अच्छा खाइए। बादाम का दूध मैं आपको बताऊंगा, वो आप अपने जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताना, और आप भी इस्तेमाल करेंगे, सबको बताएंगे। क्या बात है भाई। तो बादाम तो खैर बढ़िया होता ही है, वो दूध में मिक्स करके आप इसको खा सकते हो। ट्रीटमेंट वगैरह कैसे इसका होगा, थोड़ा बताइए? ट्रीटमेंट होता है, हम मेडिसिन देते हैं, और एक कोई लगाने की चाहता है तो लगाने की भी देता हूँ, लेकिन मैं मेडिसिन देता हूँ, उसमें उसको लगाना है धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रहा आज लगाया कल आ गए बाल, धीरे धीरे हेयर फॉलिकल्स डेवलप होने लग जाते हैं, ठीक है। मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपको जो है वो उसका बेनिफिट मिलने स्टार्ट होता रहेगा, ठीक है। तो सर, हम एलोपेशिया का ही मतलब ट्रीटमेंट करते हैं या अदर उसमें भी करते हैं? एलोपेशिया का भी करता हूँ, बाकी ये एलोपेशिया जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा आम हो चुका है सबको, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हर तीसरे चौथे बंदे को है, कोई कोई उसको हेयर लॉस की तरफ ले जाता है कि जब बाल झड़ रहे हैं। हाँ, हल्के से झड़ते हैं तो बोलते हैं सर ये एलोपेशिया हो गया हमें। हाँ, दूसरी बात क्या होती है, अब हम सारी चीज़ का मेडिसिन देते हैं, जोड़ के दर्द की, किसी को सर्वाइकल है, साइटिका है, किसी को मेडिसिन देते हैं। अच्छा, मतलब जो भी आपने बताया सारी चीज़ की मेडिसिन वगैरह रखते हैं जी। लेडीज़ की दिक्कत के लिए अलग हमारे पास मैडम हैं जो कंसल्टेंट हैं, वो आपसे बात करेंगे। तो लेडीज़ के लिए भाई, अगर आप लेडीज़ हैं, आप यहाँ पर आना चाहते हैं, तो आपके लिए अलग से मैडम है, ठीक है, वो आपको कंसल्टेंट कर देंगे, और जो भी जो बीमारी बताई है सर ने वो सर देखते हैं, हमारे डॉक्टर मिश्रा जी। तो सर, जितने भी आपने ये बताई है मेडिसिन वगैरह बताई हैं, इलाज जो आपने बताए कि आपके यहाँ पर होते हैं, तो उसकी जो मेडिसिन है वो फ्री होती है या कैसे रहता है? देखिए, एलोपेशिया की और शुगर की मैं मंगलवार शनिवार को फ्री देता हूँ, बाकी जो मेडिसिन हो उसके उसमें मिनिमम चार्जेस होते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। क्या बात, ठीक है, आप आइए, फायदा लगे आप लीजिए। तो भाई, अगर आपको शुगर है, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ना नहीं होता, वो एलोपेशिया की बीमारी होती है, ठीक है, बीच में से जैसे सर ने बताया 5 का सिक्का, 1 का सिक्का या 2 के सिक्के, बाल का झड़ना अलग होता है, एलोपेशिया अलग है, अलग होता है,
तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो ट्यूसडे और सैटरडे आ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज हो जाएगा। अदरवाइज जो सर ने बताया वो भी यहाँ पर ट्रीटमेंट हो जाता है, और उसका जो है वो बहुत कम प्राइस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। आप बहुत जगह जाते हैं, बहुत पैसे लगाते हैं लोग ट्रीटमेंट में, है ना? तो हम ऊपर वाले के नाम पर दवाई देते हैं, जो करेंगे वो करेंगे, अच्छा करेंगे, भला करेंगे। तो दोस्तों ये पेशेंट है, ठीक है, बुलंदशहर से आए हैं। सर क्या नाम है आपका? दीप सिंह। बुलंदशहर से आए हैं? हाँ जी। तो डॉक्टर साहब का क्या बिहेवियर है, कैसा है, क्या ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं यहाँ से, थोड़ा बताएंगे? यहाँ से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, दवाई लेके गया हूँ शुगर की। ठीक है, ठीक है। पहले जो मेरा शुगर था वो खाली पेट 220 था, ठीक है, और खाना खाने के बाद 350-400 आता था। अच्छा, इनकी दवाई से पहले? दवाई से पहले। हाँ, इनकी दवाई से पहले। ठीक है, यहाँ से। हाँ, और मैं अब आया हूँ, मेरे को पता पड़ा था यहाँ आने के बाद में खाली पेट 150 आ रहा है। अच्छा, और खाना खाने के बाद 220-210 मुझे फ़ायदा मिल रहा है सर। मतलब पहले से आपको फ़ायदा मिल रहा है? हाँ जी, पहले से मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, और हेल्थ के बारे में भी बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। मेरे को पहले वीकनेस थी, आराम नहीं लग रहा था मेरे, पहले वीकनेस ज़्यादा थी। हाँ जी, वीकनेस, लेकिन अब सही लगता है। शुगर के आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं? जी जी, ठीक है। बोलो सर से आए हैं सर ये, ठीक है। तो ऐसे ही पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही फ़ायदा है मेरे को यहाँ से। डॉक्टर साहब से मिलके बहुत अच्छा लगा। व्यवहार कैसा डॉक्टर? व्यवहार बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब का, बहुत ही बढ़िया। अगर आप यहाँ पर आना चाहो तो आप यहाँ पर आ सकते हो। आपको टोकना चाहूँगा, ये क्या है, ये हमारी दवाई से नहीं हुआ है, इस भाई के परहेज से हुआ है, इसकी तपस्या से हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको भाई परहेज करना पड़ेगा। देखो दवाई तो आप दुनिया भर में कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है, आपको यहाँ पर दवाई तो बढ़िया मिलेगी मिलेगी, साथ में जो परहेज बताया जाता है ना वो आपको करना पड़ेगा। और शुगर की बीमारी अगर आपको है आप उसका भी इलाज करा सकते हो, और अगर आपको एलोपेशिया है वो भी आप यहाँ पे आके करा सकते हो सर से। तो दोस्तों एक और हैं पेशेंट, इनका भी रिव्यू ले लेते हैं हम। सर आप अपना नाम बताएंगे व्यूअर्स को? मेरा नाम है गौतम रावत। कहाँ से आए हो सर आप? मैं अभी फ़िलहाल तो जहाँ रहता हूँ 12-13 सालों से, वो बुद्ध विहार मोनेस्ट्री मार्केट दिल्ली। अच्छा। और मैं रहने वाला हूँ उत्तराखंड देहरादून से। अच्छा, किस चीज़ का इलाज करा रहे डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर साहब से शुगर का इलाज करा था, लेकिन मेरे बालों की समस्या भी थी। ओके। बालों एलोपेशिया की मेरे को समस्या भी थी। ठीक है। जो अभी काफ़ी हद तक अभी एलोपेशिया की समस्या भी ठीक हो रही है। अच्छा। और आपका शुगर भी काफ़ी, जो चीज़ मेरे को खाना खाने के बाद 350 शुगर हुआ करती थी, अब मैं काफ़ी टाइम से शुगर की दवाई ले रहा हूँ, और बालों की समस्या का जो दवाई ले रहा हूँ उससे मेरे को राहत भी मिला है। तो शुगर की समस्या आप मतलब कितनी हद तक सही हो गई है? मेरी लगा लीजिए खाना खाने के बाद जो मेरी पहली रहती थी 6-7 महीने पहले 350-380, वो घट के सीधी है आपकी 150-140 में आ गई। क्या बात है भाई। तो इस तरह से भाई रिव्यू बहुत पेशेंट है, अगर मैं लेना चाहूँ तो कम से कम 500 पेशेंट का रिव्यू आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो, स्क्रीन पर नंबर है, आप डॉक्टर साहब को फ़ोन कीजिए, कैसे आपको यहाँ पर आना है ये बताएंगे, और इलाज आपका कैसे हो सकता है ये भी सब आपको जानकारी देंगे। ठीक है ना?